हेलो गाइस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी इनकॉरपोरेशन के बारे में। एक कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां किस तरीके से बनाई जाती हैं, इसका हम लाइव डेमो आज आपको दिखाने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस जानेंगे कि जो कंपनी है वो किस तरीके से बनाई जाती है इंडिया के अंदर। तो अगर आप भी कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं और अपना बिजनेस कंपनी बनाकर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन है, ये जो लेटेस्ट रूल एमसीए ने नोटिफाइड करे हैं जो कि इफेक्टिव हैं 23 फरवरी 2020 से, इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी किस तरीके से बनाई जाती है तो ये हम जानने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का हमारा वीडियो। सबसे पहला, कंपनी बनाने के लिए हमें 2 पर्सन चाहिए जो कि डायरेक्टर होंगे कंपनी के अंदर, और उनके हमें डिजिटल सिग्नेचर बनाने होंगे क्योंकि आपको पता है आजकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डिजिटली साइन किए जाते हैं, फिजिकल साइन नहीं किए जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने होंगे हमें अपने डायरेक्टरों के। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? आपको एक फोटो चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए। अब बात करते हैं फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अब हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले हमें जो डायरेक्टर्स हैं उनके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, या तो हमारे पास वोटर आईडी हो या पासपोर्ट हो उनका। डायरेक्टरों के हमारे पास एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। एड्रेस प्रूफ में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल लगा सकते हैं, या फिर बैंक स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। उसके बाद कंपनी का एड्रेस, जिस एड्रेस पे हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है उस कंपनी का हमें एड्रेस भी चाहिए। उसके लिए हम उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, रेंट या फिर लीज एग्रीमेंट हम लगा सकते हैं। अब साथ में होगा क्या कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाएंगे तो हम किसी भी डायरेक्टर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाएंगे तो जो बिल होगा वो डायरेक्टर के नाम से होगा, कंपनी के नाम से तो होगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, हर केस में एक एनओसी बनती है। अगर आप लीज पे भी ले रहे हैं तब भी आपको लीज एग्रीमेंट, एनओसी और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी से काम चल जाता है। तो एनओसी जो होता है उसका फॉर्मेट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप वर्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं कि किस तरीके से एनओसी का फॉर्मेट बनाया जाएगा और एनओसी किस तरीके से आपको बनानी है। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है DIR-2। DIR-2 होता है कंसेंट टू बिकम डायरेक्टर, मतलब ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है इस कंपनी में मैं डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, तो उसके लिए DIR-2 है। और DIR-2 का भी जो वर्ड फॉर्मेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो उसका वर्ड फॉर्मेट। उसके बाद INC-9, जो INC-9 है ये ऑटो जनरेट होगा एमसीए के पोर्टल से। मतलब पहले क्या होता था कि INC-9 बनाना पड़ता था आपको, लेकिन अब INC-9 ऑटो जनरेट होगा एमसीए पोर्टल से। जैसे ही आप स्पाइस फॉर्म भर देंगे तो जो INC-9 है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एक लगेगा हमारा स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड। तो जो स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड है ये हमारा है PF और ESI के लिए, क्योंकि आपको पता है PF और ESI का नंबर भी आप ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है एमसीए के द्वारा ही, और एमसीए ने टाई अप कर लिया है PF और ESI की जितनी भी वेबसाइट है सभी के साथ। तो PF ESI के नंबर के लिए हमें स्पाइसमैन सिग्नेचर कार्ड देना होता है। तो इसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म्स, फॉर्म्स टू बी अपलोड। अब कौन कौन से फॉर्म है जो आपको एमसीए पे अपलोड करने हैं? सबसे पहला स्पाइस प्लस, ये वेब बेस्ड फॉर्म है, आप लॉग इन करेंगे एमसीए पोर्टल पे और वेब बेस्ड जो फॉर्म होगा उसको वहीं पर फिल कर देंगे। अजाइल प्रो, ये भी एक वेब बेस्ड फॉर्म है, इसको लॉग इन करने के बाद आप फिल कर सकते हैं एमसीए पोर्टल पे ऑनलाइन बेसिस पे। एमओए, ये भी वेब बेस्ड है। पहले क्या होता था, पहले आपको एमओए डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसके बाद उसे फिल करना होता था, फिर उसकी प्री स्क्रूटनी वगैरह सारी चीजें। लेकिन जो एमओए है ये भी अब वेब बेस्ड है आपका, आपको ये वेब पर ही लॉग इन करने के बाद ही आपको ये फिल करना होगा। उसके बाद जो एओए रहेगा वो भी वेब बेस्ड कर दिया है, ये भी आपको लॉग इन करने के बाद फिल करना है। और जो INC-9 है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। उसके बाद ये सारे फॉर्म्स हैं, तो ये सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं ये ऑनलाइन अब भरे जाएंगे। स्पाइस प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए है,
अजाइल प्रो PF ESI GST नंबर के लिए है, प्रोफेशनल टैक्स नंबर के लिए है, MOA AOA आप इनसे पहले से ही जानते हैं ये दोनों फॉर्म के बारे में, और INC 9 जो हमें पहले फिजिकली बनाना पड़ता था, साइन कराने पड़ते थे डायरेक्टर्स के, तो अब वो खत्म कर दिया है। अब हमें इस पे डिजिटल सिग्नेचर लगाने हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट हो जाएगा MCA पोर्टल पे। तो ये फॉर्म हमें कैसे भरने हैं इसका लाइव डेमो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो हमारी काफी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए हम जो लाइव डेमो है इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और जब सब कुछ सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जब आप MCA पोर्टल पे अपने जो फॉर्म्स है उनको अपलोड करोगे, अपलोड करने का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा, सबसे पहले स्पाइस फॉर्म आपको अटैच करना है, उसके बाद MOA अटैच करना है, फिर AOA अटैच करना है, फिर अजाइल प्रो अटैच करना है, और फिर INC 9। अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जो वेब बेस्ड फॉर्म है उनको किस तरीके से भरा जाता है। तो कंटिन्यू करिएगा हमारे पार्ट सेकंड के साथ, और अगर आपको ये वाला पार्ट हमारा अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।